बनाएंगे होल व्हीट आलमंड कुकीज़। तो चलिए देखते हैं हम लोग को क्या क्या आइटम्स चाहिए। आटा, चीनी, रोस्टेड आलमंड, बटर, दूध और बेकिंग पाउडर। कुकीज़ बनाने का सबसे पहला स्टेप है बटर एंड शुगर को मिक्स करना। बटर एंड शुगर को तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि लाइट एंड फ्लफी ना हो जाए। यहाँ पर मैं बटर एंड शुगर डाल दिया है। सबसे पहले मैं स्पैचुला से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं डबल बीटर का यूज़ करके अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, सभी आइटम्स का रूम टेम्परेचर में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो याद करके बटर को कुकीज़ बनाने के 2 घंटा पहले फ्रिज से बाहर निकाल दीजिएगा, जिससे कि बटर रूम टेम्परेचर में आ जाए और मिक्स करने में बहुत इजी हो। तो चलिए, बटर लाइट एंड फ्लफी हो गया है ये कैसे पता चलेगा? बटर का कलर येलो होता है, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसका कलर चेंज होने लगता है। यस, बटर का कलर ऑफ वाइट दिखने लगता है। जब उसका कलर ऑफ वाइट दिखने लगे तब समझ लीजिएगा कि बटर एंड शुगर अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए, ऑफ वाइट कलर का हो गया है, मतलब मेरा बटर एंड शुगर लाइट एंड फ्लफी हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी बाकी का सभी इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैं आटा डाल रही हूँ, उसके बाद मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी और फिर लास्ट में दूध डालकर एक अच्छा सा डो लगा लेंगे। कुकीज़ का डो लगाने के बाद हम लोग इसमें रोस्टेड आलमंड डालकर मिक्स करेंगे और फिर कुकीज़ बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आटा और बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अब एक बार इसको स्पैचुला से मिक्स कर लेती हूँ और फिर वापस डबल बीटर से मिक्स करेंगे। डबल बीटर से मिक्स करने के बाद हम लोग हाथ से डो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि एकदम सॉफ्ट डो लग जाए। तो अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ, उसके बाद वापस से डबल बीटर से मिक्स करेंगे और फिर मेरा डो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम लोग हाथ से मिक्स करेंगे। अब हम लोग पूरा डो को बाहर निकाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसमें रोस्टेड आलमंड मिलाएंगे और फिर हमारा कुकी का डो रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग भी टेबल पे निकाल कर हाथ से मिक्स कर लीजिएगा। 5 से 7 मिनट मिक्स करने के बाद आलमंड्स ऐड करेंगे। मैंने आलमंड्स को घी में रोस्ट करके रखा है। घी में रोस्ट करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोग भी आलमंड्स को घी में रोस्ट कीजिएगा। अब मैं इसमें आलमंड्स ऐड कर रही हूँ, उसके बाद पूरे कुकीज़ में आलमंड्स को मिक्स कर लूँगी। तो जैसा कि मैं डो में आलमंड्स को एक साथ मिक्स कर रही हूँ, उसी तरह आप लोग भी मिक्स कीजिएगा। तो ये देखिए, मेरा आलमंड्स भी डो में मिक्स हो गया है और मेरा डो रेडी हो गया है। अब हम लोग इसमें इसको डिवाइड करके कुकीज़ बनाएंगे। मैं यहाँ पर 20 ग्राम्स ईच कुकीज़ का मेजरमेंट ले रही हूँ, फिर उसके बाद स्मॉल रेक्टेंगल शेप में बनाऊँगी। आप लोग का जैसा मन, आप लोग वैसा कुकीज़ को शेप दे सकते हो और बना सकते हो। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बिस्कुटी शेप में कुकीज़ बना रही हूँ। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, पहले इसका 20 ग्राम्स का मेजर किया, फिर इसको राउंड राउंड करके दोनों हाथ से प्रेस किया, बीच से भी एंड चारों तरफ से प्रेस करके इसको रेक्टेंगल शेप का बनाया।
चलिए मैं एक और दिखाती हूँ आप लोग को, देखिए। तो ये हो गया मेरा 20 ग्राम्स का मेजरमेंट। अब इसको मैं राउंड राउंड करूँगी पहले हाथ से, और फिर इसको बीच से प्रेस करके एंड चारों तरफ से भी प्रेस करके इसको रेक्टेंगल शेप दूंगी। तो इसी तरह आप लोग भी कर सकते हो, या फिर जैसा मन चाहे वैसा कुकीज़ को शेप दे सकते हो, ये आप लोग के ऊपर है। आप लोग कटर से कट करके भी कुकीज़ बना सकते हो, या फिर इस तरह मेजर करके भी बना सकते हो। तो जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, ये सब आप लोग के ऊपर डिपेंड है, क्रिएटिविटी। तो जैसा आप लोग ने देखा, मैंने दो कुकीज़ को रेक्टेंगल शेप में बनाया, आप लोग को दिखाया, वैसे ही मैं अभी सभी कुकीज़ को बनाऊंगी रेक्टेंगल शेप में। ये सभी कुकीज़ बनाने के बाद मैं 1 आवर के लिए फ्रीज में सेट करूंगी, उसके बाद इसको बेक करूंगी प्री हीटेड ओवन में फॉर 25 to 30 मिनट्स। बेकिंग एंड प्री हीटिंग दोनों सेम टेम्परेचर पर होगा, 160 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब मेरा कुकीज़ बन गया है, इसको 1 आवर के लिए सेट करूंगी फ्रीज में, जिससे कि कुकीज़ बेक होते टाइम पर श्रिंक ना हो, फैले नहीं। तो चलिए इसको मैं फ्रीज में रख देती हूँ, उसके बाद बेक करने के लिए रखूँगी। तो ये देखिए मेरा कुकीज़ रेडी भी हो गया है, टन टना। सॉरी फॉर सम फन। चलिए अब मैं इन कुकीज़ को प्रेजेंट करती हूँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बेकिंग। तो मेरे पास ये रेड कलर का ट्रे है, इसमें सभी कुकीज़ को प्रेजेंट करती हूँ, उसके बाद मैं खा के बताऊँगी कि कुकीज़ कैसा बना है। तो ये हुआ मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट। चलिए अब एक कुकीज़ लेती हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए अंदर से भी बहुत अच्छे से बेक हुआ है। तो चलिए अब खाने का बारी आ गया, तो एक बाइट खा के देखती हूँ कैसा बना है, लेट्स सी। खाने में तो बहुत ही यम्मी बना है, यमीएस्ट कुकी। आई होप ये रेसिपी आप लोग को पसंद आए। थैंक यू।